हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज बाय टाइटल आप लोग जान ही गए होंगे, तो आज हम अपने दिखाने वाले हैं ग्रीन कलर की जितनी भी मेरे पास साड़ियां हैं, तो वो सारी साड़ी दिखाने वाले हैं। और मेरे पास जितनी भी ग्रीन कलर की साड़ियां हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसमें से कोई भी साड़ी ले सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं कहीं मार्केट से या ऑफलाइन ऑनलाइन। ज़्यादातर तो मेरी जो साड़ियाँ हैं वो ऑफलाइन ही हैं, और यदि आपको उस तरीके की कोई भी साड़ी पसंद आए तो आप उस तरीके की साड़ी मंगवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रीन कलर की साड़ी से। तो सावन का महीना चल रहा है, लोग अधिकतर ग्रीन कलर की साड़ी, पूरा सारा का सारा ग्रीन कलर का ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन कलर की साड़ियों पे अपना वीडियो एक डाल दूं। तो सबसे पहले ये है ग्रीन साड़ी, और ये है उसका वर्क, तो ये लाइट ग्रीन है। इसमें कैमरे में थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है, और ये पल्लू है इसका, ऐसे रहेगा पल्लू इस तरीके का, और काफ़ी अच्छी साड़ी है। बाकी बॉर्डर वाला है ये जो पल्ला है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वर्क हुआ है, और अंदर की जो साड़ी है ये इसी तरीके का है, मतलब इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है, और बीच बीच में ये जो छोटे छोटे से फूल बने हैं ये फूल बने हैं। काफ़ी सुंदर साड़ी है हमारी ये वाली। चलिए दूसरी साड़ी दिखाते हैं आप लोगों को, ये है, इसको काही कलर बोलते हैं या डार्क ग्रीन भी बोल सकते हैं, और इसमें रानी कलर का बॉर्डर है। बहुत सुंदर साड़ी है, अभी इसको हमने कभी पहना नहीं है, और बस थोड़ा सा अभी कंप्लीट ही कराया है, अभी ब्लाउज नहीं कंप्लीट हो पाया, तो इस वजह से इसे किसी साड़ी कभी पहने नहीं है। और इसमें ये जो गोल गोल चक्कर बने हुए हैं तो ये फुल साड़ी में बने हुए हैं ऐसे, और जो इसमें ये कलर है कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है इनका। और तीसरी साड़ी आपको हम दिखाते हैं, इसका तो आजकल ट्रेंड ही बहुत ज़्यादा है, ये साड़ी लगभग तो हमारे ख्याल से सबके पास होंगी, और ये अभी मई में ही आई है साड़ी, ये बिटिया की छठी में मतलब मम्मी ने मुझे दी है, तो बहुत अच्छी साड़ी है ये भी, पहनने में बहुत हल्की है, कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसका। ये पूरा वर्क ऐसे ही है, थोड़ा सा ये ऐसा लगता है बनारसी साड़ी पे लगती है, लेकिन बनारसी साड़ी है नहीं, काफ़ी लूज़ कपड़ा है इसमें, पहनने में गर्मियों में पहनने में सबसे ज़्यादा आरामदायक रहती है ये साड़ी। अगली साड़ी है, ये थोड़ा सा पुरानी साड़ी है, तो ये है तोता कलर, और ये हमारी शादी की साड़ी है, इसमें वर्क हैवी वर्क है, और ये हमारी शादी में आई थी, इसको कई बार पहन चुके हैं, अभी 30 का व्लॉग आया था तो उसमें भी हमने ये पहना है। और ये है साड़ी, इसका वर्क है कुछ हैवी साड़ी है, और डिज़ाइन ओल्ड है लेकिन अच्छी बहुत लगती, ग्रीन कलर है ना, तो इस वजह से मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है। और अगली साड़ी है, इसका भी कलर डार्क मेहंदी कलर बोल सकते हैं, मेहंदी कलर ही है, और ये भी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, शिफॉन का कपड़ा है इसका, और गर्मियों में अदर भी कोई भी दिन हो कोई भी मौसम हो तो उसमें साड़ी ये अच्छी लगेगी, और इसका जो कॉम्बिनेशन है मेहरून और ग्रीन पे डार्क ग्रीन मेहंदी कलर, तो कलर बहुत अच्छा है, और इसका जो ब्लाउज़ है दोनों मतलब ऐसे ही है सेम, ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा है। ये सिंपल साड़ी है, हैवी साड़ी नहीं है, इसको सिंपल साड़ी बोल सकते हैं, और ये मार्केट से लाए थे तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, मतलब आप लेना चाहें तो मार्केट में भी मिल सकती है ये वाली साड़ी। नेक्स्ट साड़ी है हमारी, ये है बनारसी साड़ी हमारी ग्रीन कलर, लेकिन कैमरे में अच्छा ग्रीन नहीं आ रहा है, इसका कलर जो है वो मेहंदी कलर है साड़ी का, ये काफ़ी भारी साड़ी है हमारी,
और इसको भी हमने एक ही बार पहना है अभी, इससे पहले ज़्यादा नहीं, मतलब इससे पहले पहना नहीं है। और इसका जो पल्लू है वो रेड कलर में है, ये पल्लू है इसका रेड कलर। इस तरीके से बहुत सुंदर साड़ी है, आपको खोल के दिखा देते हैं अंदर। तो ये पूरी जो प्रिंट है इसकी, पूरी साड़ी में ऐसी है इसकी प्रिंट है, और इसका बॉर्डर जो है इस तरीके का बॉर्डर है। तो सबसे सुंदर मुझे साड़ी यही लगती है। आप लोगों को कौन सी साड़ी अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। मेरे पास इतनी साड़ी ग्रीन कलर की थी, आप लोगों को कोई भी अगर अच्छी लगे तो डिज़ाइन या कलर जो भी अच्छा लगे तो आप बाई कर सकते हैं अपने मार्केट या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, अगर कोई भी अच्छी लगे तो बाई कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा अगर यह अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।